वन पीस का 1104 एपिसोड देख के मैं इतना ही बोलूंगा कि वन पीस के वर्ल्ड में भी आप लोग लड़कियों को विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इस एपिसोड में हम लोगों को वही सब चीजें दिखाई गई और हम लोगों को कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए गए जो मैं देख के शॉक हो गया और मेरे ख्याल से आप लोग भी वो देख के शॉक हो गए। दोस्तों, इसको हम लोग अगर ब्रीफ में बोले तो वन पीस का जो 1104 एपिसोड था, इस एपिसोड के अंदर जो मेन फोकस था वो मेरे को लग रहा था कि जोरो वर्सेस काहू का जो फाइट है वो होने वाला है। वो तो हुआ, लेकिन एंडिंग आते आते जो कारनामा इस लड़की ने करके दिखाया, लिटरली मैं बोल रहा हूं, वो देखकर आप लोग भी शॉक हो गए होंगे और मैं भी शॉक हो गया, क्योंकि वहां पे जो सारे चीजें हुई ना, वो देख के वहां पे जोरो भी शॉक था कि यहां पे हो क्या रहा है। इस एपिसोड के अंदर हम लोगों को दिखाया गया कि बॉनी को जो कुमा का जो हाथ मिला था, मतलब जो साइन मिला था, वो असल में कुमा का मेमोरीज है जो वेगापंक ने स्टोर करके रखा है, और कुमा ने उसको बोला था कि इसको किसी को मत दिखाना, लेकिन मुझे को लगता है कि बॉनी वो देखने वाली है। वो सब छोड़ो, इसके बाद हम लोगों को दिखाया गया जोरो वर्सेस काहू का फाइट, और वहां पे तोई वालों ने जो एनिमेशन का चस्का लगाया है वो लिटरली ऑसम था। मतलब एक सीन में आप लोग ये वाले सीन को गौर से देखिएगा, यहाँ पे रॉब रूजी का जो मुंह है और उसके बाद हम लोगों को सेराफिन्स के ऊपर देखने को मिल रहा है, वो सारे एनिमेशंस लिक्विड तरह के थे, और ये एनिमेशन देखने में मेरे को बहुत ही मजा आता है। और जोरो को यहाँ पे ये लोग बहुत ही ठंडे तरीके से ले रहे हैं यार, मतलब जोरो है एक एम्परर का वाइस कैप्टन, वो तुमको मसल कर रख देगा, उसने अभी तक एनमा का यूज भी नहीं किया है। काकू समझता है कि मैं अभी स्ट्रांग हो गया हूं बहुत ज्यादा, लेकिन जोरो के सामने वो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे एंडिंग आते आते स्ट्रूसी का हम लोगों को फाइनली रिविलेशन देखने को मिल गया कि वो यहाँ पे किस लिए आया। मतलब सोचो, CP0 यहाँ पे तीन लोग आए हैं, मतलब रॉब लुची, काकू और स्टूसी, और स्टूसी ने बैकस्टेप कर दिया काकू को और रॉब लुची को, और उसके बाद उसको दिखाया गया कि एज अ रॉक्स पायरेट क्लोन मेंबर, मतलब रॉक्स पायरेट का वन ऑफ द मेंबर्स का ये क्लोन है, और वैसे एपिसोड खत्म हो गया। वो वाला जो सीन था जब उसने पीछे से उसको बाइट किया और उसके बाद काकू वहां पे बेहोश हो गया और रॉब लुची वहां पे शॉक हो गया कि यहाँ पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, मैंने इस लड़की के ऊपर विश्वास किया था, इस लड़की ने मेरे को बिट्रे कर दिया। मतलब वन पीस के वर्ल्ड में भी आप लोग लड़कियों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। लिटरली वहां पर जो सीन था, मतलब वहां पे थोड़ा हॉट तरीके से हम लोगों को वो सीन दिखाया गया है, लेकिन जैसे सिडक्टिव वे में स्टूसी ने उन लोगों को बैकस्टेप किया, वो देख के मेरे को बहुत ही तसल्ली मिली, और लेकिन वहां पर रॉब लुची बिट्रेड हो गया। अभी आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर हम लोगों को बहुत कुछ दिखाया जाएगा। और दोस्तों, मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, इस एपिसोड के अंदर कुमा भी ट्राई कर रहा है मेरी जॉयस में जाने के लिए, मतलब जहाँ पे इमू सामा है, पांच घोड़ों से है, वहाँ पे जाने के लिए, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है। और अगले एपिसोड में शायद हम लोगों को फाइनली कुमा का बैक स्टोरी या स्टूसी का बैक स्टोरी हम लोगों को दिखाया जाएगा कि वो लोग यहाँ पे करना क्या चाहते हैं। लेकिन इस एपिसोड के अंदर एक चीज़ मिसिंग था, वो था हमारा मंकी डी लूफी, पता नहीं वो कहाँ पर चला गया, शायद उसको भी अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा। दोस्तों, ये वाला जो एपिसोड था ये मेरे को ठीक ठाक लगा, लेकिन एंडिंग आते आते हम लोगों को जो ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए गए वो देखकर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। ये था आज के एपिसोड का रिव्यू, आशा करता हूं कि आप लोगों को रिव्यू बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते नहीं हो, 0.1% लोग सब्सक्राइब करते हो, क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो, कुछ भी कर दो यार, मेरे को सपोर्ट करो ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे एनिमे टॉपिक ला सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनिमे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।